हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिवाइड करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। मैथ्स नहीं लगाना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी मेथड है। फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास ऑनवर्ड कोई भी इसको सीख सकता है। चलो शुरू करते हैं। अगर मान लो हमें कोई बोले कि 14784 को 132 से डिवाइड करो, तो आप कैसे करोगे? तो मैंने क्या किया है, पहले से बना लिया मैंने 14784 है बेटा। तो हमें क्या करना है, जितना नंबर है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें उतनी डॉट्स लगा देनी है। जैसे 1 है तो 1 डॉट, 4 है तो 4 डॉट, 7 है तो 7 डॉट, 8 है तो 8 डॉट, 4 है तो 4 डॉट। ऐसे ही जिससे डिवाइड करना है उसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग उतने ही डॉट्स हम बना लेंगे। 1 है तो 1, 3 है तो 3, 2 है तो 2। क्या करना है हमें, यहां एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करना है बेटा। और यहां पैटर्न क्या है, पहले कॉलम में 1, दूसरे में 3, तीसरे में 2, उतनी ही डॉट्स आपको यहां से काटते जाना है। क्या करेंगे, पहले से शुरू करेंगे, 1 3 2 चाहिए, पहले में 1, दूसरे में 3, अगले में 2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये एक फिगर बन गया बेटा, ये एक फिगर बन गया। अब एक डॉट बची है यहां पर, यहां से 1, अगले से 3, उससे अगले से 2, ठीक है। यहां 2 डॉट बच गई हैं, तो एक पहले एक यूज करते हैं, 1 3 2 चाहिए ना, 1 3 2, ठीक है। फिर एक डॉट बच गई, 1 3 2। सारी डॉट्स को हमने बेटा यूज कर लिया है। अब हम क्या देखेंगे कि फिगर्स कितने बन रहे हैं। यहां पे देखो, एक फिगर ये बन रहा है, दूसरा फिगर ये बन रहा है, तीसरा फिगर ये बन रहा है, चौथा फिगर ये बन रहा है। तो काउंट करेंगे, सबसे पहला कॉलम लेंगे, कितने नए फिगर आए, बस एक ही तो है, कितने नए फिगर आए, एक ही है, एक ही है, लेकिन ये तो पहले काउंट हो चुका, तो ये एक ही आया। देखते कितने फिगर बेटा, ये पहले काउंट हो चुके हैं, ये काउंट हो चुके हैं, ये वाला नया आ गया, ये वाला नया आ गया, तो कितने आ गए, 2। हम पहले काउंट कर चुके थे, 4 फिगर है, तो 2 + 1 + 1 कितने, 4 फिगर हो चुके हैं। 4 फिगर काउंट कर चुके हैं, तो इसके आगे हमें कुछ काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा सीधा सीधा आंसर कितना आ गया, 1 1 2, है कि नहीं आसान मेथड। तो एक हम और ट्राई करते हैं बेटा, बिल्कुल ऐसे ही। वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, उसका आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। 2 है तो बेटा 2 डॉट्स, 6 है तो 6 डॉट्स, 8 है तो 8 डॉट्स, 2 डॉट्स, 4 डॉट्स। तो हमें क्या करना है, आप कैसे पैटर्न बनेंगे, पहले कॉलम में 2, अगले में 4, तो ठीक है, पहले में 2, अगले में 4, सही हो गए। यहां सारी डॉट खत्म हो चुकी, यहां पे क्या होगा, इसमें 2, अगले वाले में 4 ले लिया हमने। फिर क्या करेंगे, इसमें से 2, अगले वाले में से 4, इसमें से 2, अगले वाले में से 4, सारी डॉट्स खत्म हो चुकी हैं हमारे पास। अब क्या करना रह गया, फिगर्स काउंट करने रह गए हैं हमारे पास। तो फिगर कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4, टोटल 4 फिगर है हमारे पास। तो पहले कॉलम से शुरू करेंगे, कितने नए फिगर हैं इस बॉक्स के अंदर, एक ही है, इसमें कितने, ये काउंट हो चुका था फिगर, ये वाला आया नया, तो एक ही आया है। थर्ड कॉलम में देखते हैं बेटा, ये फिगर काउंट कर चुके, ये फिगर नया आया, ये फिगर नया आया, टोटल 4 फिगर बने थे, 2 + 1 + 1, 4 फिगर आ गए, तो आंसर इज 112। आसान, कितना आसान है ना। अब एक और नंबर करते हैं जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है बेटा। (312)/24, आप कहोगे बहुत सिंपल है सर, इसमें क्या मुश्किल है, करके देखते हैं। तो ये हो गया 3 1 एंड 2, 3 1 एंड 2, यहां पर कितना है 24, यहां कितना है 24। तो क्या करेंगे,
यहां टू चाहिए फोर चाहिए, बेटा यहां से टू तो मिल जाएंगे लेकिन फोर तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? आप देखो, अगर मैं आपको एक 10 रुपीज का नोट दू या 10 रुपीज वन के कॉइन्स दे दू, तो क्या दोनों में डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। तो हमने क्या किया, ये इससे 100 प्लेस पे है ना, ये 10 प्लेस पे है, मान लो ये 100 प्लेस पे है, तो इसका 10 टाइम्स है, तो हमने एक डॉट के क्या दे दिए, 10 दे दिए, 10 डॉट्स बना दिए। अब फिगर क्या चाहिए, 2 4 2 4 2 and 4 बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या, फिर 2 4 बनेगा, यहां से तो 2 ले लूंगा लेकिन यहां पे 4 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे बेटा, एक डॉट हटा लेंगे और फिर इसको 10 डॉट्स दे देंगे, 4 5 6 7 8 9 10 बना दिया हमने। क्या होगा, 2 डॉट्स 4 डॉट्स 2 डॉट्स 4 डॉट्स 2 डॉट्स 4 डॉट्स। तो ये वाला जो हमने किया है पिछले दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन कुछ अलग नहीं है, ये हम कैरी करते हुए आए हैं, पहले भी कैरी करते थे, एक नंबर कैरी कर लेते थे। तो अगर डॉट्स हमें आगे या पीछे नहीं कम लगेगी बेटा, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हटा ही लेंगे। फिर वही काम, कितने आए, एक फिगर है, इस वाले में कितने फिगर आए, ये फिगर पहले काउंट हो चुका था, 1 2 3 3 नए फिगर आए, टोटल 4 ही फिगर बने थे हमारे पास, तो 1 + 3 कितना हो गया, 13। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है हमारे पास, ठीक है बेटा, होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू क्लास।